सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में वापस से आप लोगों का। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सब अच्छा अच्छा हो रहा होगा आपके लाइफ में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नाश्ता भी हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो खाने में हमारे लिए तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये जो सब्जी आज मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही रेयरली यहाँ नासिक में मिलता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर आज खाने का मन है और हम जा रहे हैं मार्केट लेने तो नहीं मिलने वाला है, वेट करना पड़ेगा या सब्जी वाले का नंबर रखो अगर उनके पास डिलीवरी आएगी, अगर वो वेजिटेबल की तो आपको कॉल कर देंगे। तो ऐसा कुछ है, तो चलिए देख के मैं क्या बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो जा रही हूँ परवल का भरवा बनाने। तो एक पाव परवल है तो उसको इस तरीके से नाइफ़ के हेल्प से ऊपर का जो कवर होता है वो घिस घिस के निकाल लिया है और अब जो है ये साफ़ कर लिया है। तो आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले परवल को ऐसे कट करना है, एकदम सावधानी से इस तरीके से कट लगाना है बीच में। और इसके अंदर का जो इसका बीज होता है या जो ऐसे अभी गलती से पूरा निकल गया, तो एक स्पून लूँगी मैं अभी, स्पून के हेल्प से ये पूरा जितना इसका मटेरियल है ये सब बाहर निकाल लेना है। और ये फेंकना नहीं है क्योंकि ये मसाला तैयार करने में यूज़ होने वाला है। तो इस तरीके से सारा निकालते जाना है। यही वाला जो एक स्टेप है जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, उंगली की हेल्प से निकालने में क्या होगा कि फट सकता है जो मैंने पहले किया था। और इस तरीके से नाइफ की हेल्प से करने में ईजली निकल जाएगा। नाइफ का हेल्प भी ले सकते हैं या स्पून का हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये देखिए पूरा क्लियर हो गया है, ये देखिए पूरा क्लियर हो गया, निकल गया है। तो इसी तरीके से मैं बाकी परवल को भी बाकी परवल का भी जो मटेरियल है अंदर वाला वाइट वाला वो निकाल लेती हूँ। तो सारे परवल का मैंने बीज निकाल दिया है। एक परवल मेरा टूट गया था और एक ये वाला, दो ही टूटे हैं, बाकी सब निकल गया आसानी से। तो इधर ये काम हो रहा, अभी जा रही हूँ प्याज वगैरह जब तक ये करती हूँ चॉप करती हूँ, तब तक इधर मैं बैंगन का भुजिया बना रही हूँ। सूखी सब्जी जिसको हमारे लैंग्वेज में भुजिया बोलता है। और जब तक उधर भुजिया हो रहा है, मीनवाइल मैं थोड़ा एक दो काम कर ले रही हूँ। सबसे पहले तो ओनियन चॉप कर लेती हूँ ये वाले चॉपर में। ये दो मैंने बड़े साइज के ओनियन लिए हैं और एक पाव परवल है तो मसाले के लिए इतना सफिशिएंट है। और बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ना परवल बहुत महंगा है। अभी तो लॉकडाउन है तो मतलब सब्जी वाले को स्पेशली कॉल करके बोला कि परवल मिलेगा तो ला कर दीजिएगा। तो अभी तो 40 का पाव है, मीन्स 160 का केजी, और नॉर्मल डेज में 30 का पाव मतलब 120 का केजी मिलता है। और हमारे बिहार में 40 का केजी है, मतलब घर पे बात होते रहता तो पता चलता है ना ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ों का रेट। और मतलब हमारे घर में ना लोग परवल खा के बोर हो जाते हैं कि अब नहीं खाना, और हमारे लिए कि अरे यार कितना मिल जाए तो खा ले ऐसा हो गया। तो बड़े शहर में ये सारी चीज़ें जो है हो गया, इसका काम कंप्लीट। अब ओनियन हो गया है, अब लहसुन और जिंजर का पेस्ट है मेरे पास, सिर्फ टोमेटो वगैरह चॉप करना है तो मैं बाद में कर लूँगी। और भुजिया भी तैयार हो गया, चले दिखाती हूँ। और उसका ऑयल निकालने के लिए रख दिया है।
तो इसी कढ़ाई में बना लूँगी, फिर मुझे दूसरा बर्तन ही निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, तो एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। इसी कढ़ाई में अब ऑयल रखा है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैं परवल को फ्राई करने वाली हूँ। तो एक एक करके रख देती हूँ, ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है। और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पानी ना रहे, तो अभी फिलहाल इसमें भी रखती हूँ। और दूसरी तरफ चावल चढ़ा दिया है, और मैं सोची थोड़ा सा छाछ बना लूँ, क्योंकि दही ये खाना प्रेफर नहीं करते हैं एसिडिटी की वजह से, तो थोड़ा सा छाछ बना के दे देती हूँ तब तक। साथ में सब्जी भी देखना है कि ज़्यादा परवल फ्राई नहीं होना चाहिए, मतलब जलना नहीं चाहिए, वो बस उसको फ्राई करना, थोड़ा हाई थोड़ा लो फ्लेम पे फ्राई करना। तो चलिए मैं छाछ की तैयारी करती हूँ, और बिल्कुल सिंपल टाइप से छाछ बनाती हूँ झटपट झटपट। मतलब दही लिया है 2 चम्मच, और 1/2 टेबल स्पून के आसपास जीरा और काला नमक, बस ब्लैक सॉल्ट, इतना ही करके बस एक बार मिक्सर घुमा दूँगी। और अभी मैं ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दे रही हूँ, परवल फ्राई हो गया है। ये देखिए, तो लो फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होता है, परवल पक भी जाता है और एक जो जला जला जो टेस्ट आता है ना, वो नहीं होता है। और हाई फ्लेम पे करने से परवल जल जाएगा, थोड़ा बिटर कड़वा टेस्ट आने लगेगा, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। परवल फ्राई होते से ही मैंने क्या किया है, उसी ऑयल में मैंने एक्सेस ऑयल ही यूज़ किया है, जो चॉप किया था ओनियन वो, और ये परवल का जो बीज था वो, दोनों को एक साथ रख के फ्राई कर लिया। तो फ्राई हो गया ओनियन, अब इसमें मैं डालती हूँ चॉप किया हुआ टमाटो, और बिल्कुल लो मसाले को लो फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि हाई पानी हम ऐड नहीं कर रहे हैं इसलिए। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ डाल दिया मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑफ अदरक एंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ लहसुन। अब इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी, इसके बाद नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, फिर है ये धनिया पत्ता, सॉरी धनिया पाउडर, धनिया पाउडर का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, मैं अंदाज से रख रही हूँ। तो थोड़ा सा गरम मसाला, ये रेडीमेड गरम मसाला है, फिर जरा सा मीट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा वाला है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, सबको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करना है। तो ये देखिए मसाला फ्राई हो गया हुआ है, और मैंने गैस बंद कर दिया है, और ऑयल देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने बहुत कम ऑयल रखा था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मुझे फ्राई करना पड़ा। चलिए अब इसमें मैं धनिया पत्ता ऐड कर देती हूँ, और ये लास्ट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है, तो ये ऐड करके मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। फटाफट से ये मसाला जो तैयार हुआ है इसमें मैं फिल कर देती हूँ। Thank you.
और ये भड़वा जो है आप चाहे तो ड्राई भी खा सकते हैं और चाहे तो थोड़ा ग्रेवी भी लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा एक कुछ पीसेस ड्राई रखूँगी, कुछ मैं ग्रेवी लगाऊँगी, तो इस तरीके से भर लेना है। देखिए भड़वा तैयार हो चुका है ये ड्राई वाला, और ये जो मसाला बचा हुआ है इसको जा रही मैं ग्रेवी लगाने। अब ये कर रहे अपने ऑफिस का काम और मैं यहीं पे आ गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, सोऊंगी नहीं, क्योंकि सोने से क्या होता है ना कि रात को नींद नहीं आती है, फिर रात को नींद नहीं आएगी, लेट तक सोएंगे, फिर सुबह लेट उठेंगे, तो ऐसा हो जाता है, सोऊंगी नहीं। तो यहीं पे आ गई हूँ, इनके पास बैठी हूँ, देखती हूँ कुछ एडिटिंग वगैरह कर लूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। आज खाना बहुत टेस्टी बना, बहुत ज़्यादा खा लिया है, और आज शाम में बनेगा पानी पूरी, तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो देखते रहिएगा। मैं पानी पूरी का भी रेसिपी वगैरह शेयर करूँगी आप लोगों से। तो आज बस खाने 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 का प्रोग्राम है, और जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद वेट लॉस का प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। बस ये सब ख्याली पुलाव है, देखते हैं कब क्या कैसे होता है। तो चलिए, आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता हो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि भड़वा का जो रेसिपी शेयर किया या पानी पूरी का वो कैसा लगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिए। और यहाँ पर मैं लेटे लेटे इनके लिए जीन्स देख रही हूँ, क्योंकि जीन्स लेना है, तो देख लेती हूँ कुछ पसंद आता है तो विश लिस्ट में ऐड करके रखूँगी। तो पानी बनाने के लिए लिया मैंने पुदीना, धनिया पत्ता और 3 हरी मिर्च, तो इनको पीस लेती हूँ। उबल लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ ये पीसा हुआ पेस्ट। मेरा मटर उबल रहा है कुकर में, अब इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये इमली जो है वो मैंने भिगोने के लिए रख दिया था, तो अब इसको अच्छे से मैं इस तरीके से मैश कर लेती हूँ। ये ऑप्शनल है, और आप चाहे तो जलजीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना खट्टा चाहिए। ये जो है इसको मैं निकाल कर, अभी ऐसा वाला स्ट्रेनर लिया है बड़ा वाला, और इसमें डालती हूँ इमली का पानी। तो अब मैं इसमें सारे जो मसाले हैं वो ऐड करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं नमक, तो नमक मैंने लिया है 1 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पून की हेल्प से। मैं भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच या 1/2 चम्मच डाल सकते हैं। फिर मैं डालूंगी इसमें ये एवरेस्ट का पानी पूरी मसाला 1 चम्मच के आसपास। मैं बस इतना ही ऐड करने वाली हूँ, और थोड़ा सा आप अगर चाहे तो इसमें जलजीरा ऐड कर सकते हैं, जलजीरा पाउडर खट्टापन के लिए, और बढ़ाना है तो ये आमचूर पाउडर और काला नमक भी डाल सकते हैं। बट मैंने जो नमक डाला है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी है, मैंने टेस्ट कर लिया है, तो मैं इसमें काला नमक ऐड नहीं करने वाली हूँ, ये इतना ही रखने वाली हूँ। थोड़ा बहुत बूंदी ऐड कर देती हूँ। आलू मैश कर लिए, उसमें डाला है मैंने कटी हुई प्याज बिल्कुल बारीक। फिर ऐड कर देती हूँ धनिया पत्ता। फिर मैंने ऐड किया इसमें ये उबले हुए मटर। अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें जीरा पाउडर लगभग 1/2 चम्मच से 1 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि बहुत तीखा नहीं कर रहा मुझे, और मैंने मटर बॉईल करते टाइम उसमें
नमक डाला था, तो पहले मैं पूरा मिक्स करने के बाद मसाला मैं टेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ ऐड करूँगी एक्स्ट्रा। और इस तरीके से बनकर तैयार है ठेले वाला पानी पूरी। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।